हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुकमीत गो फ्रॉम आईटीआर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंटिन्यूइंग विद, ये पार्ट थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, जिसमें कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद लिब्रे ऑफिस कैसे। अब हमारा लिब्रे ऑफिस में जो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हमने देखा कि हमारे पास क्या है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कि हम अपने डेटा को जो है वो स्टोर करके रखते हैं। अब ये मैंने चीज़ आपको पहले भी बताई, फिर से बताते हैं। जैसे जिस भी सेल पे हम काम कर रहे होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, आपका एक्टिव सेल है। ठीक है, ये क्या है, जैसे A1 आपका क्या है, एक्टिव सेल, और नीचे यानी कि A1 क्या है, A आ गया कॉलम का और 1 आ गया रो का, इसलिए इस सेल का नाम क्या हो गया हमारा, A1। ठीक है, जो कि हमारा ऊपर भी शो करेगा। उसके बाद ये सारे हमारे देखो 5, 6, 7, 8 सारे हमारे रोज़ हैं, और ये DE, AB, C, DE, E ये सब हमारे क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, की या की का कम्बिनेशन। ठीक है, जब हम एरोज को देखो, एरो कीज़ क्या होते हैं, मूव अ सिंगल सेल इन एरो डायरेक्शन, मतलब अगर हम नीचे वाला एरो करेंगे तो हमारा एक्टिव सेल नीचे वाला हो जाएगा, अगर हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो हमारा एक्टिव सेल लेफ़्ट साइड वाला हो जाएगा, मतलब हमारा कर्सर जो है वो उसी साइड पे मूव कर देगा जिस साइड पे हम अपने एरोज़ को जो है वो घुमाएंगे। कंट्रोल प्लस एरो कीज़। ठीक है, जब हम कंट्रोल या एरो की करेंगे, मूव द सेल टू द एंड ऑफ द डेटा रेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हमने स्टार्ट किया है जैसे कि इस रो से, सी वाले रो से, C1 से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, C1 से अगर हमने स्टार्ट किया है तो हम किस पे मूव कर जाएंगे, सीधा डायरेक्टली हम मूव कर जाएंगे C9 वाले रो पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है होम, मूव अ कॉलम ए अलोंग द रो वेयर द एक्टिव सेल। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस होम मूव्स द सेल टू A1 पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। मूव एंड, वो एंड पोजीशन पे चला जाएगा। पेज अप, मूव करेगा वर्कशीट को एक स्क्रीन अप, मतलब पेज को ऊपर वाली स्क्रीन पे मूव करेगा, और पेज डाउन हो गया हमारे पेज के नीचे वाली स्क्रीन पे जो है वो हमारे मूव करेगा। ठीक है,